आइए, देखो इन्होंने एक अच्छा सवाल किया है। भाई साहब आपका काम अच्छा है, सही है, और मैं करना भी चाहता हूँ, कर भी लूंगा, लेकिन ये जोड़ने वाला काम मैं नहीं कर सकता, मेरा इंटरेस्ट नहीं जोड़ने वाला काम करने का, ठीक है, तो ये जोड़ने वाले काम से मैं दूर रहना पसंद करता हूँ। क्लियर है? जवाब क्या दें? ओके सर, ठीक है सर, बात आपकी बिल्कुल वाजिब है। और रियलिटी में अगर हम बात करें, एक बार पानी पी रहे क्या सभी? पानी पी लो यार एक बार, मुझे ऐसा मजा नहीं आता जब खड़े रहते हो। जोड़ने जोड़ने का धंधा करें। हाँ जी सर, मतलब काम तो कर लेंगे, आपकी सारी बात समझ में आ गई, लेकिन ये दो जोड़ो दो के चार ये थोड़ा नहीं कर पाएंगे, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर है? और यह सवाल आपके सामने मोस्टली आता है, आप जब किसी एक अच्छी कैटेगरी के व्यक्ति को जब प्लान शो करते हो तो उसकी एक ही प्रॉब्लम रहती है, वो आपका जब बिजनेस हेल्थ कॉन्सेप्ट जब समझते हैं और जब आपका सारा समझते हैं प्रोडक्ट, तो हर व्यक्ति आपके प्रोडक्ट और आपके हेल्थ कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से सुनता है, लेकिन जैसे ही आप ये ठिचक ठिचक जब दो टांग निकाल देते हैं तो जैसे उसके ना माँ मर गई वैसे हो जाती है शक्ल, साला वही सही है। सो ये जोड़ने वाले काम से व्यक्ति बहुत दूर भागता है। तो प्रेम जी ने बोला जी सारी बात सही है और आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपका पूरा जो प्रोडक्ट वो अच्छा है, लेकिन ये जोड़ने वाले काम से हम दूर रहते हैं, जोड़ने वाला काम नहीं कर सकते। क्लियर है? तो बिल्कुल सही बात बोला आपने प्रेम साहब, और वाक्य में हमारा ये काम भी नहीं है, सही है, ये जोड़ने तोड़ने वाला काम एक्चुअली नॉर्मली काम इंसान के बस का काम ये नहीं है। सो मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा सर, अगर आपने हमारा पूरा कॉन्सेप्ट तो देखा, अगर आपने समझा होगा, तो पहली बात तो ये समझिए कि हम जोड़ने वाला काम कोई नहीं करते, और आपने समझा लेकिन किस नजरिए से समझा है ये शायद मेरा समझाने में कुछ फर्क रह गया। मैं आपको दोबारा एक बार अपडेट करना चाहूँगा कि जुड़ने जोड़ने वाला काम नहीं है। फर्स्ट बात कि हमारी को फेविकोल की फैक्ट्री नहीं कि हम लोगों को जोड़ते चिपकाते हैं, ये फेविकोल का मजबूत जोड़ यहाँ पर नहीं है। काम क्या है और जोड़ने वाला काम आपके पास सही है, ये दो दो के चार चार के आठ इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट चल चुके हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं और लोगों के साथ में बहुत गलत हो चुका है, जिसकी वजह से आज आप इस काम को नहीं करना चाहते। आप अपनी जगह पे 100% सही हो, और सही मायने में अगर बात मैं करूं तो ये जोड़ने वाला काम मैं भी नहीं करना चाहता था और जुड़ना मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आज इस काम को मैं प्रमोट करता हूं। क्यों? इसके पीछे की वजह है सर, देखिए जोड़ने का काम सहली बात क्या होती है, जोड़ने का काम जो चैन सिस्टम वो होता है जिसमें बंदा जोड़ के और कोई जब एक डिटेल साइन अप फिलअप की जाती है और इंडिविजुअल व्यक्ति किसी को ज्वाइन करके बंदे को जोड़कर कमीशन जनरेट होता है, उसे हम बोलते हैं चैन सिस्टम या पिरामिड सिस्टम, सही है। तो अगर आपने मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से अगर समझा है तो फिर यह देखिए, हम हिंदुस्तान का क्या बोला, हम हिंदुस्तान में पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट में सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर क्या मार्कर देना क्या बताने का करना भाई, ये देखिए बस, आज तक ऑल इंडिया में ट्रेडिशनल मार्केट है या डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट कोई भी है, उसमें जो कमीशन आज तक दिया गया है कैसे दिया गया है, आप सेल करेंगे क्या करेंगे, हर जगह सेल्स पे सेल्स इंसेंटिव दिया जाता है, हर जगह सेल्स के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी दी जाती है और हर एक जगह सेल्स के अनुसार ही आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, सही बात है। देन नेक्स्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में काम करने पे किस पे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पे काम करने पे आपको प्रॉफिट दिया जाता है, किस पे डिस्ट्रीब्यूटर पे, किस पे जाता है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में काम करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलता है, सही बात है। लेकिन हर व्यक्ति प्रेम जी, हर व्यक्ति ना तो सेल्समैन और ना वो हर व्यक्ति सेल्समैन बन सकता, हर व्यक्ति ना डिस्ट्रीब्यूटर है और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति एक काम अवश्य करता है, आप भी करते हो ये काम, हर व्यक्ति परचेजिंग 100% करता है, करता नहीं करता है, साबुन तेल शैंपू कपड़ा जूता कुछ भी आइटम की,
आज तक इंडिया में परचेजिंग पे आपको छूट दी गई है 5%, 10%, 25%, सही है। जैसे डिफेंस वालों का कैंटीन कार्ड बना दिया जाता है, उसमें कुछ 10-25% की छूट होती है, क्लियर है। परचेजिंग पे आपको ऑफर मिलता है, आप अभी सीजन चल रहा है, आप एक आइटम लेंगे साथ में ये फ्री मिल जाएगा, आपको दो आइटम के साथ ये आइटम फ्री मिल जाएगा, क्या है ये ऑफर्स हैं, और ये ऑफर लिमिटेड टाइम में ही रहते हैं, क्लियर है। लेकिन आज तक किसी भी मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट या डायरेक्ट सेलिंग जिसे आप चैन सिस्टम बोल रहे हो, उसमें परचेजिंग करने पे बेनिफिट नहीं दिए गए हैं, क्लियर है बात। आप गौर से बात समझिए, हमारा काम है क्या, आपने देखा इसका जो दिखता है साइन, इसके पीछे हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या है, इसे आप समझिएगा। हम इंडिया का पहला ऐसा सिस्टम है, क्या बोला, मुझे नहीं पता आपने कितनी कंपनी, कितने फंडे आपने सुने और देखे हैं, कहां जुड़े हो, कहां आपने जोड़ा है, कहां से आपने लात खाई है, कहां से आपने नुकसान खाया है, पर हम इंडिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट में आप सेल करें, क्या करें, सेल करें, या आप डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में काम करें, या आप अपने इंडिविजुअल के लिए अपने खुद की आवश्यकता के अनुसार आप परचेज करें, तीनों ही सिचुएशन में आपको बराबर क्या मिलता है, तीनों सिचुएशन में आपको सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल या परचेजिंग पे आपको तीनों जगह बराबर बेनिफिट मिलता है। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारी संस्था जो सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड परचेज को इसने बराबर बराबर लेवल पे बेनिफिट दिया है, और इसने सबको एक लेवल पे समान नजर से देखा है। तो आप यहां किसी को जोड़ नहीं रहे, आप यहां किसी का आईडी नहीं लगा रहे, लेकिन आप अपने लिए परचेज तो करते हैं। मेरा हर प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, मेरे हर प्रोडक्ट का रिजल्ट है, और वो 100% आपके शरीर पे काम करता है, वो आपकी जरूरत का है, और वो प्योर विदाउट केमिकल आपको मिलेगा, प्योरली आयुर्वेद का आइटम हमारा है। तो इसमें आप यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो भी आपको सारे बेनिफिट मेरी संस्था के मिलेंगे बिना जोड़े हुए भी। बस आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में खाते हैं, पीते भी होंगे और लगाते भी होंगे? तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, खाने का, पीने का, लगाने का, तीनों कैटेगरी हमने दी है। आप ऑलरेडी लाइफ में खाते हो, पीते हो, लगाते हो, लेकिन आज से पहले आपके खाने से, पीने से, लगाने से आपको कोई भी मार्केट में बेनिफिट नहीं मिला है। सिर्फ आप हमारे साथ में आते हैं, आप खाने का, पीने का, लगाने का किसी भी प्रकार का हमारा आइटम यूज करेंगे, आपको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे बिना किसी को जोड़े। तो कृपया करके सर दोबारा जोड़ने का नाम ना ले, हम जोड़ने का काम नहीं करते। मैंने अभी तक आपको जोड़ा मैंने आप एक ही बात बोली सर, हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, क्या कीजिए, और हम एक ही थीम पे काम करते हैं, यूज द प्रोडक्ट, क्या बोला, यूज द प्रोडक्ट, देन आफ्टर गेट द रिजल्ट, देन आफ्टर सेल या शेयर द एक्सपीरियंस, क्या बोला, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, देन आफ्टर शेयर या शेयर द एक्सपीरियंस। और यह हर व्यक्ति कर सकता है, जो आपने कुछ भी आइटम यूज किया उसका आपको अच्छा नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, उस नेगेटिव को, मीठे को मीठा बोलने के लिए एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं चाहिए, खट्टे को खट्टा बोलने के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए, और गलत को गलत, सही को सही बोलने के लिए ट्रेनिंग आपको नहीं चाहिए। ये इंसान में बाय डिफॉल्ट होता है कि जो चीज मुझे अच्छी लगी, मीठी लगी है, रसगुल्ला मुझे मीठा लगता है, आपको भी मीठा लगता है, लगेगा, क्लियर बात है। तो क्या ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकते, नहीं कर सकते? सेकेंड एक बात सर, मैंने आपसे एक बात की प्रेम जी, अगर आप अपनी लाइफ में, अब मैं आप वाली बात पे आता हूं, जोड़ने वाली बात पे, पहली बात तो मेरा काम जोड़ने का नहीं है, आप यूज कीजिए हमारा प्रोडक्ट, आप हमारी पेस्ट यूज कीजिए, इम्यूनोडॉक यूज कीजिए, थंडर ब्लास्ट यूज कीजिए, ज्वाइंट क्यूटर ऑयल यूज कीजिए, सही है, अपने आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। अब मैं आप वाली बात पे आता हूं, जोड़ने वाली बात पे, अगर आप वाली बात पे बात मैं करूं, जोड़ने की बात पे, तो एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, क्या आप अपने जिंदगी में कुछ भी बड़ा काम करना चाहते हो, यस और नो?
यस करना। क्या आप लाइफ में बड़ा पैसा कमाना चाहते हो? यस और नो? सोच के बोलिए, सही बात है। अगर आप बड़ा इंसान बनना चाहते हो, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो जाने अनजाने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में वही इंसान बड़ा बना है जिसने लोगों को जोड़ा है। अब अच्छा काम गलत काम दोनों की बात मैं आपसे करूंगा, दोनों की बात आपसे मैं करूंगा। स्कूल खोलना, बच्चों का एजुकेशन देना, ये अच्छा काम है, अच्छी नीयत का काम है। अशिक्षित समाज को शिक्षित बनाना अच्छी सोच है, लेकिन आपने एक अच्छा स्कूल खोल लिया, आपने अच्छे अपने टीचर वहां रख लिए हैं, आपकी अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन अगर आपके स्कूल में बच्चे जुड़ेंगे नहीं, तो क्या आपकी सोच बड़ी बन पाएगी? क्या आपकी अच्छी पढ़ाई देने की सोच घर घर पहुंच पाएगी? अगर बच्चे जुड़ेंगे नहीं, तो क्या आपका स्कूल बड़ा बन पाएगा? आपकी सोच अच्छी, आपका रास्ता अच्छा, आपके विचार अच्छे, लेकिन आपको अपने विचार लोगों में पहुंचाने हैं और देश को शिक्षित करना है, तो आपको घर घर जाकर के, हर घर में जाकर के, आप अच्छे हो, आपकी अच्छी एजुकेशन है, आपके पास अच्छे टीचर्स हैं और आपके स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज हैं, ये आप अच्छे हो यह बताने के लिए घर घर जाना पड़ेगा। और जितने ज्यादा बच्चे आपके स्कूल से जुड़ जाएंगे, उतना ही कोई स्कूल बड़ा बन जाएगा। आप शोरूम खोल के बैठते हैं, परचून की दुकान आप खोल करके बैठते हैं, जितने ज्यादा कस्टमर जिस दुकान से जुड़ जाएंगे, वह दुकान और दुकानदार का दुकानदार उतने ही बड़े बन जाएंगे। अल्टीमेटली जोड़ना तो पड़ेगा। आप अगर राजनीति के अंदर जाते हो, तो लोग देखिए, लोग हाथ जोड़ के हमेशा वोट मांगते नहीं, मांगते हैं। अगर आपको सत्ता में आना है, अगर आपको अपनी सीट निकालनी है, अगर आपको जीतना है, तो हर घर में जाकर के बुड्ढा लेडीज जेंट्स जो मिले, भाई साहब नमस्ते, बहन जी नमस्ते, दीदी नमस्ते, बोलना पड़ता नहीं, बोलना पड़ता है, सही है। तो जितने ज्यादा एक नेता से जितना ज्यादा वोटर जुड़ जाएगा, वह नेता उतना बड़ा बन जाता है। अगर कोई बोले मैं लोग नहीं जोड़ सकता, लेकिन मैं राजनीति में आना चाहता हूं, सॉरी नहीं आ सकता, जोड़ना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बोले मैं स्कूल खोलना चाहता हूं, लेकिन मैं बच्चे नहीं जोड़ सकता, सॉरी स्कूल नहीं चल सकता, सिर्फ कबूतर बैठेंगे और वो खंडर बन जाएगा। स्कूल तभी स्कूल है जो उसके अंदर बच्चे आएंगे, तो जोड़ना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, ये बेसिक है बिजनेस का, सही है। अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो और शाहरुख खान किंग खान है, सही है, अमिताभ बच्चन हिंदुस्तान के अंदर किस दिन सबसे बड़ा क्या बोलेगा उसको, सुपर स्टार है, तो अगर किसी भी फिल्म स्टार की फिल्म आती है, अगर उससे दर्शक नहीं जुड़ेंगे, तो फिल्म हिट जाएगी क्या? No. तो कोई भी बड़े बड़े लोग, अरे कोई भी फिल्म स्टार दर्शक को जोड़ने के लिए कपड़े उतार के नंगा खड़ा हो जाता है, किचन में गिरने को तैयार हो जाता है, गालियां खाता है, थप्पड़ी मुंह में खाता है, खाता नहीं खाता है। अल्टीमेटली Yes. उसका मोटो क्या है? कुछ भी नया दिखाऊं, कुछ भी नया दूं, जिससे मैं पब्लिक को अट्रैक्ट कर पाऊं और पब्लिक को मैं जोड़ पाऊं, सही बात है। तो इस दुनिया का सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? पब्लिक, जिसके नीचे लोग वो बॉस, और जिसके पीछे लोग वो नेता अभिनेता, दो ही तो लोग बड़े हैं। जिसके नीचे लोग और जिसके पीछे लोग, वही तो लोग बड़े हैं। जिसके पीछे लोग नहीं, वो आम आदमी है, वो आप और हम हैं। क्योंकि हम जोड़ना नहीं चाहते, हम जोड़ने की कला नहीं रखते, और हम कहीं जोड़ कर किसी को आगे नहीं जोड़ना चाहते, इसीलिए हम आम आदमी हैं। हम जगह जगह जुड़ गए हैं, हम परचून की दुकान वाले से जुड़ गए हैं, हम डॉक्टर से जुड़ गए हैं, हम नेता से जुड़ गए हैं, हम इंडस्ट्री फिल्म एक्टर से जुड़ गए हैं, लेकिन हम जुड़ गए हजारों जगह, लेकिन हम जोड़ना नहीं चाहते और हम पीछे अपना फैन फॉलोअर बनाना नहीं चाहते, इसीलिए हम आम आदमी हैं। हमें हर क्वालिटी है, हम फुल मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। एक ही ना प्रॉब्लम है कि मैं लोग जोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए हम आम आदमी हूं। हम भी जोड़ सकते अच्छी नीयत के साथ, अच्छी आइटम के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छी मेहनत के साथ। उसे जोड़ना नहीं बोलते, उसे बोलते हैं दोस्त मेरे फैन फॉलोअर। अगर हम अच्छी नीयत से, अच्छा प्रोडक्ट, अगर अच्छी सोच से लेकर के जाएंगे, तो लोग जुड़ेंगे नहीं। जब लोगों को रिजल्ट मिलेगा, उन्हें आराम मिलेगा, उन्हें पैसा मिलेगा, तो आपके फॉलोअर बनेंगे, और जब फॉलोअर बनते हैं, तभी कोई इंसान सेलिब्रिटी बनता है। तो हमें फॉलोअर बनाने हैं सर, जोड़ने नहीं है। दिमाग से बात निकालिए, जोड़ने का काम नहीं, बड़ा अगर बनना है तो लोगों के बीच जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो